झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा गुमला जिले के सभी 17 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा संपन्न हुई है। इस दौरान गुमला प्रशासन की पूरी टीम परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त कराने में लगी रही। गुमला DC कर्ण सत्यार्थी व SP शंभू कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 2 दिन हुई परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त हुई है। आयोग के द्वारा जो 2 दिवसीय सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, वो आज उसका दूसरा दिन और फाइनल चरण सक्सेसफुली संपन्न हो चुका है। और इसके पीछे जो सभी 17 परीक्षा केंद्र थे उन सभी पे भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी, पुलिस के अफसर, मजिस्ट्रेट, स्टैटिक और पेट्रोलिंग दोनों, ऑब्जर्वर्स, वीक्षक, केंद्राधीक्षक और इसके साथ साथ कई लेवल्स के सरकारी कर्मी हर एक प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे। तो पूरी प्रक्रिया को सक्सेसफुली और कदाचार मुक्त और इंसिडेंट फ्री संपन्न कराने के लिए सर्वप्रथम तो सभी कर्मियों और सभी ऑफिसर्स को जो इसमें सम्मिलित थे सभी को हम लोग आभार व्यक्त करना चाहेंगे और सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। आयोग एवं राज्य सरकार से जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए थे कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया का क्रियान्वयन करना है उसका अक्षरशः पालन किया गया है, चाहे वो लॉजिस्टिक रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो या फिर एग्जाम रिलेटेड हो। तो इसके पीछे निश्चित रूप से जो जिला के जितने भी कर्मी हैं और जितने भी ऑफिसर हैं सभी लोग बधाई के पात्र हैं। नमस्ते, कैसा गया एग्जाम आपका? ठीक गया है। और इस एग्जाम सेंटर में मतलब कैसा? अच्छा, कदाचार मुक्त रहा ना? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? कोई ध्यान लेने। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नवनीत कुमार मेहता। नवनीत भाई साहब, थोड़ा सा तो कैसा रहा आप लोग का एग्जाम? और इस सेंटर में किसी प्रकार का जो हर बार पेपर लीक का मैटर उठता है ऐसा कुछ नहीं ना? शांतिपूर्ण रहा। आप लोग कहाँ से हैं? गढ़वा से ही, अधिकतर गढ़वा से हैं। अच्छा, गढ़वा से। क्या नाम हुआ? दयाशंकर सिंह। और आपका? मैं भी गढ़वा से हूँ। अच्छा, कैसा एग्जाम इस बार? बहुत अच्छा रहा। और इस सेंटर में किसी प्रकार का नहीं कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लगता है इस बार सरकार इस बार बहाली करेगी? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट देता है, क्या करता है, कैसे करता है। इस सरकार पर आपको यकीन है, विश्वास है कि यह जो एग्जाम किया इसका रिजल्ट जारी होगा? सरकार भी चाहेगी कि पूरी तरह से क्लियर करें। धन्यवाद। पलामू से इस सेंटर में कैसा एग्जाम गया आप लोगों? अच्छा एग्जाम गया। हर बार जो पेपर लीक हो जाता है तो बहुत सारा समस्या सरकार के द्वारा पता चलता है। सेंटर पे इस टाइप का कोई फीलिंग महसूस नहीं हुआ। कदाचार मुक्त रहा? कदाचार मुक्त रहा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। चलिए, धन्यवाद जानकारी देने। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।